देखा कि अभी वो मरहला ही नहीं आया था कि वो रिपोर्ट पेश की जाए। वो रिपोर्ट तो खैर इनिशियल स्टेज पे बन गई थी, लेकिन एक इम्यूनिटी और एक मैं कहूंगा कि एक ऐसा इंसाफ, मिसाली इंसाफ खान साहब को मिला कि आपके पहले के भी गुनाह माफ, पहले के भी केस माफ, और जो आप आइंदा जुर्म करेंगे वो भी गुनाह माफ और वो भी केस माफ। तो इस तरह फिर ये एक इस मेडिकल रिपोर्ट को मंजर आम पर वो पूरी तरह आ ना सकी, लेकिन चूंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये इमरान खान की कैबिनेट में जो एक बंद लिफाफा कैबिनेट से पास करवाया गया था जिसमें अरबों डॉलर की करप्शन हुई, ये उस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरा फर्ज बनता है बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर कि इसकी मैं चीदा चीदा कुछ चीजें आपके सामने रखूं। नंबर 1, ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी या चले ज्यादा से ज्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है जिंदगी में? और वो भी ऐसा पलस्तर जो 5-6 माह ना उतरे। वो घर का पलस्तर, छत का पलस्तर ठीक हो जाए तो पांव का नहीं उतर रहा था। तो आप ये सोचें कि चमड़ी और या ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि गोश्त में अगर कोई कील नुमा चीज पेवस्त हो गई हो तो उस पर पलस्तर करने वाला ये दुनिया का वाहिद आदमी होगा, और वो भी 5 से 6 माह। अब आप दूसरी तरफ चले और उस पलस्तर पर सियासत अलग। अब इसमें दूसरी एक बात कि इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। अब जब तक पूरा तनासुब नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया है। अब पलस्तर की बात मैंने कर दी, टॉक्सिक रिपोर्ट की बात मैंने कर दी, तीसरी एक अहम बात जो मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि इनकी दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देर वर सम अप्रोप्रिएट जेस्चर। अब यह आपका वजीर आजम था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देर वॉज सम अप्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इन सारी चीजों से हटके ये कोकेन एक तरफ रखें, शराब एक तरफ रखें, फ्रैक्चर का ड्रामा धोखा एक तरफ रखें, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जब इसको हमने बहुत देर तक मुआयना किया, इससे बातचीत की, तो इसकी हरकत तो सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है, सवालिया निशान लगता है उस पर। और कुछ हरकत ऐसी थी अप्रोप्रिएट जेस्चर जो कि आम इंसान जिसका दिमाग चीको वो ये हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, ये कोई पहली बात नहीं है। मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोग गवाह होंगे कि जब ये वजीर आजम था तब भी मैं असेंबली में कहता था कि ये दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, इसको म्यूजियम में रखो, ये नहीं मिलेगा इस तरह की दूसरी चीज आपको। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो झूठ बोलता है और अपने ही झूठ पे वो बाज़िद हो जाता है। वो अपने झूठ को सच कहता है और दूसरों को सच मनवाने की कोशिश करता है। और ये जो हालात पिछले दिनों गुजरे हैं ये कोई एक दिन का नहीं ना, ये तो नार्सिसिस्ट बरसों से लोगों की तबलीग कर रहा था। 23 और जब से हुकूमत से निकाला गया
तो नौजवानों को एक रास्ते पे उसने लगाया जिसका नतीजा आपने देखा। आपकी सियासत तो तबाह इसने पहले दिन से कर दी। वो जो हमारा पॉलिटिक्स में एक शायस्तगी का रिवाज था वो पहले दिन से तबाह हो गया। आपके कल्चर का फैब्रिक, मां बहन बहू बेटी की इज्जत का, वो तबाह हो गया। आपके अंदर सियासी बर्दाश्त का, इख्तलाफ रखने की जो गुंजाइश थी वो दुश्मनी में तब्दील हो गई, आप मारपीट पर उतर आए। तो माशरे का कौन सा फैब्रिक था जो इस शख्स ने और इस, मैं तो कल्ट कहूंगा, नॉट द पार्टी, टोला, अ कल्ट, जिसने कौन सा फैब्रिक आपका माशरे का बचा के छोड़ा या जिसको उसने तबाह ना किया हो। मैंने कहा था कि देखें, आप सबको पकड़ रहे हैं, सबकी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, अगर आप जब पकड़े जाएंगे रिकॉर्ड पर आप जाकर देखें तो आपकी सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं बनेंगी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बनेंगी। और अल्लाह ने मुझे सुरखुरू किया, ये मैंने खुद नहीं किया, अल्लाह ने मुझे सुरखुरू किया कि आज आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स, आपने मोहतरमा फरियाल साहिबा को, जिनको डॉक्टरों ने अनफिट करार दिया था, ईद की रात रात को 12 बजे अस्पताल से जेल शिफ्ट कराया। आपने ज़ईफुल उमर और पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर आसिफ अली जरदारी को अदालत में गिरफ्तार करवाया। आज आपको अल्लाह ने यह दिखाया है कि आज आपकी मेडिकल रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि दिस पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल, दूसरी चीजों के साथ साथ। तो ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो चीजें हैं। अब रिमांड के दौरान आपको जमानत मिले या आपको हुक्म अदालत की तरफ से ऐसा इंसाफ मिल जाए कि पिछले अगले सारे गुनाह आपके माफ हो जाए, लेकिन बहरहाल जो चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है वो है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या इसी शख्स को सादिक और अमीन करार दिया था हमारे डैम वाले जज ने? मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, अल्लाह से माफी की उम्मीद भी रखता हूं। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि मेरा भी फॉर्म सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गया था, तो मैंने हाई कोर्ट से रुजू किया। सेशन कोर्ट ने लिखा था कि आपने फॉर्म में जो है वो गलत बात लिखी है, यानी कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। हाई कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दे दिया, तो अब मैं क्या सादिक और अमीन हो गया इसकी तरह? नऊज बिल्ला, कहा मेरे आका की जात में उनके पैर के खाक के धूल के बराबर नहीं। और अल्लाह हमें ऐसे बोल ना बुलवाए जिस तरह की ये बातें करता है और अंदर से ये निकलता है रिपोर्टों से। तो सादिक और अमीन तो सिर्फ मेरे आका थे, ये फैसला तो मेरे हक में भी आ चुका है, खान साहब के हक में नहीं आया है, सिर्फ हाईकोर्ट से मेरे हक में भी आ गया है 61-62 का फैसला। लेकिन ये सियासी